प्रिय बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप तमाम का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ क्रमांक 6 सीख, इसका पहला भाग हमने पढ़ा भी और समझा भी। अब हम भाग क्रमांक 2 समझते हैं। भाग क्रमांक 1 में हमने देखा कि मोहन बीमार है, उसकी माँ उसे समझा रही है और मोहन के चंद दोस्त और सहेलियाँ मोहन को मिलने के लिए मोहन के घर आए हैं। वो मोहन की तबीयत का हालचाल पूछ रहे हैं, पूछते हैं और मोहन से कहते हैं कि मोहन, अब तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखना, हम चलते हैं। तमाम दोस्त और सहेलियाँ घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही रास्ता चलते हैं, सामने से एक बिल्ली उनका रास्ता काटती है तो सुषमा कहती है कि लो, अब हमारा काम नहीं होगा। तो महेश कहता है कि सुषमा, तुम सही कह रही हो, अब हमारा काम नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें समझने की ज़रूरत है, रोज़ाना हर रोज़ हमारे सामने से हमारा रास्ता बहुत से जानवर काट कर गुज़र जाते हैं, तो क्या हमारा काम नहीं होता? होता है, लेकिन यहाँ पर हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो सोहन सामने देखता है, सामने से गुरुजी आते हुए नज़र आते हैं। तमाम बच्चे गुरुजी के पास पहुँचते हैं। तभी शिल्पा कहती है कि गुरुजी, हम आप ही के घर आने वाले थे, लेकिन बिल्ली ने हमारा रास्ता क्या किया, काट दिया। तभी सुषमा कहती है कि गुरुजी, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, दूध का दूध और पानी का पानी करना, इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है न्याय करना, इंसाफ करना। दूध का दूध और पानी का पानी, इसका मतलब होता है न्याय करना, इंसाफ करना। तभी सोहम कहता है कि मोहन की माँ मोहन को मंत्र फूका पानी पिला रही थी। तो गुरुजी कहते हैं, क्यों भाई, क्यों पिला रही थी? तुम लोगों ने देखा, तुम्हारे सामने मोहन की माँ ने मोहन को पिलाया तो तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा? तो महेश कहता है कि हम लोग क्या करते, उनका आदर जो करना था। प्रिय बच्चों, आदर इस शब्द का अर्थ होता है इज्जत करना, आदर करना, इज्जत करना। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हमारे घर में जितने भी बड़े हैं, दादाजी है, दादी जी है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, अम्मी है, अब्बू है, और हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे हमारे बड़े रहते हैं, हमें उनकी क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो गुरुजी बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों, देखो, बिल्ली का रास्ता काटना, दहली पे छींकना, दहली यानी दरवाजे के पास, बिल्ली का रास्ता काटना, दहली पे यानी दरवाजे पे छींकना, ये सब अंधविश्वास है। क्या है? अंधविश्वास है। इस पे अंधविश्वास, इस शब्द का अर्थ होता है कि बगैर सोचे समझे किसी की बात पर पूरा पूरा भरोसा करना और उस पर अमल करना। तो गुरुजी समझाते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, इस पर हमें भरोसा, इन बातों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी शिल्पा बोल पड़ती है कि सभी तो करते हैं, सभी तो करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि बीमारी अनेक कारणों की वजह से आती है, बीमारी इंसान को बीमार होने के बहुत सारी वजहात होती है, कारण होते हैं, और इसका एकमात्र उपाय यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है,
वो है दवा लेना। तो प्यारे बच्चों, हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए या हम खुद बीमार पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले डॉक्टर को बताना चाहिए और दवाई लेनी चाहिए। तो गुरु जी कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर मोहन की माँ को समझाते हैं ताकि उनकी आंखें खुल जाए। आंखें खुलना इसका अर्थ होता है कि सही बात को समझना, सही बात समझ में आना। तमाम बच्चों को गुरु जी कहते हैं कि चलो हम मोहन की माँ को समझाते हैं ताकि उनकी सही बात उनके समझ में आ जाए। तो तमाम बच्चे एक साथ मिलकर बोलते हैं कि अंधविश्वास से दूर रहो, सत्य की पहचान करो। प्यारे बच्चों, सत्य यानी सच, सत्य के अर्थ होता है सच की क्या करो, पहचान करो। तो प्यारे बच्चों, हमें भी हर बात को, हर काम को सोच समझ कर और सही करना चाहिए। तो हमने आज भाग क्रमांक 2 में ये सीखा कि अंधविश्वास क्या होता है, दूध का दूध और पानी का पानी इसका अर्थ क्या होता है, आदर इस शब्द का अर्थ क्या होता है। प्यारे बच्चों, हमें भी हर काम सोच समझ कर करना चाहिए।